ऑलराइट, 50,000 रुपीस का जो बजट होता है वो बहुत सारे लोगों का होता है, एंड इस प्राइस रेंज में काफी अच्छे अच्छे लैपटॉप्स आने लगे हैं। फिर चाहे मैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स की बात करूँ या गेमिंग लैपटॉप की बात करूँ, 50,000 में लोग बहुत ही अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप्स दे रहे हैं। एंड आप लोगों को एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, आप लोगों को हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ SSD वाले लैपटॉप लेने हैं। हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप पुराने लैपटॉप्स में आते थे, अब जो लैपटॉप्स आ रहे हैं वो SSD के ही आ रहे हैं मेनली। बट अगर आप लोगों को किसी में भी हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप दिख रहे हो ना, तो प्लीज उन्हें अवॉइड करो, आप लोगों को सिर्फ SSD वाले लैपटॉप लेने हैं, क्योंकि SSD लगाने से आप लोगों का लैपटॉप बहुत ही तेज हो जाता है और वो हैंग बिल्कुल भी नहीं होता है, तो काफ़ी सही रहता है। मैं पर्सनली बहुत सालों से अपने लैपटॉप में SSD यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, बहुत ही तेज़ चलता है मेरा लैपटॉप, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और ये जो बजट है ना, बहुत ही अच्छा बजट है। विद दैट बीइंग सेड, आज के इस वीडियो में आप लोगों को 50,000 के अंदर लैपटॉप बताने वाला हूँ। एक लैपटॉप बताऊंगा, वो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, अगर आप लोग को गेमिंग करनी है या फिर आप लोग को कोडिंग करनी है या अगर आप लोग को ऑफिस लेके जाना है, तो वो सारे काम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उस लैपटॉप में आप लोगों को। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, इस लैपटॉप को मैंने पर्सनली यूज़ भी किया हुआ है, तो मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों को देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सा भी लैपटॉप आप लोगों को बता देता हूँ, इस लैपटॉप मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया हुआ है, वही लैपटॉप मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। तो 50,000 का बजट एक काफ़ी अच्छा बजट है जो मैक्सिमम लोग लेके चलते हैं, और इस बजट में आप लोगों को मैं एक लैपटॉप बताऊंगा, वो बहुत ही सही लैपटॉप है, उसका नाम है HP Victus। HP Victus एक बहुत ही अच्छी सीरीज है HP की, जिसमें आप लोगों को बहुत कमाल के स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप देखने को मिलते हैं। तो देखो, अगर आप लोग कोई लैपटॉप लेने जा रहे हो और आप लोगों को वो लैपटॉप, लेट्स से फॉर एग्जांपल 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हो ना उस लैपटॉप पे, तो आप लोगों को 4-5 हज़ार रुपये अपना बजट थोड़ा बढ़ा के वो ले लेना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप और गैजेट्स ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, छोटे टाइम के लिए नहीं लेते हो। आप लोग एक बार लेते हो तो उसे 4-5 साल तो आराम से चलाते हो, तो अगर आप लोग को डील अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी मिल रही है ना, तो आप लोगों को थोड़ा अपना बजट बढ़ाना चाहिए और उसकी तरफ चले जाना चाहिए। यस, तो आज के इस वीडियो में जो HP Victus है ना, वो आप लोगों को बढ़ रहा है 54,990 रुपीज़ का। मुझे मालूम है 5,000 रुपये ऑलमोस्ट महंगे हैं, बट ये जो लैपटॉप है बहुत ही वर्थ इट लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। सबसे पहले इस लैपटॉप में जो आप लोगों को प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, 12450H। एंड एच नाम के प्रोसेसर बहुत ही कमाल के प्रोसेसर होते हैं, ये डिज़ाइन स्पेशली इसलिए होते हैं ताकि आप लोगों को हाई परफॉर्मेंस दे सके। एच नाम की जो सीरीज़ होती है वो परफॉर्मेंस के लिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए होती है। यू नाम की जो सीरीज़ होती है वो बैटरी पे ज़्यादा फोकस्ड होती है। तो ये जो एच नाम के होते हैं, ये आप लोगों को मैक्सिमम एफिशिएंसी देंगे और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देंगे। एंड 50,000 रुपये में आप लोगों को इंटेल i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को 50,000 में इतने अच्छे स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये डेफिनेटली वर्थ इट है। प्लस ये प्रोसेसर जो है बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर। अगर आप लोग इस पर वीडियो एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो, या फिर अगर आप लोगों को कोडिंग करनी है या कोई सा भी काम करना है, इस लैपटॉप में आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। आप लोगों को परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना लैग देखने को मिलेगा, कुछ नहीं, बहुत ही सही लैपटॉप है। 8GB रैम देखने को मिलता है आप लोगों को इसमें, आप लोगों को स्लॉट्स अवेलेबल मिल जाते हैं, आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो। 512GB SSD देखने को मिल जाता है, आप लोगों को एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाते हैं, आप उसे भी एक्सपेंड कर सकते हो। पहले क्या होता था, 50,000 रुपये में आप लोगों को NVIDIA GeForce 1650 देखने को मिलता था, बट अब आप लोगों को क्या है इस लैपटॉप में देखने को मिलता है, NVIDIA GeForce RTX 2050, विच इज़ ग्रेट। ये जो ग्राफिक कार्ड है ना, वो 1650 से बेटर है, तो इसमें आप गेमिंग बहुत आराम से कर सकते हो। वैलोरेंट, GTA 5 वगैरह चीज़ें अगर आप लोगों को खेलनी है तो आप खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपने 1650 ग्राफिक कार्ड में GTA 5 और वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मक्खन चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वैलोरेंट भी खेलता हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। 2050 आप लोगों को RTX देखने को मिल रहा है, इसमें आप बहुत ही आराम से चीज़ें कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है ये भी। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD 144 हर्ट्ज़ वाली रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल रही है गाइस। 144 हर्ट्ज़ 50,000 में आप लोगों को देखने को वैसे तो नहीं मिलता है, बट आप लोग इसमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ अमेजिंग। 144 हर्ट्ज़ आप लोगों को 50,000 में अगर देखने को मिल रहा है, तो वो कमाल की बात है। एंड इसमें आप अगर गेमिंग वगैरह करोगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यह गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये 50,000 के अंदर। सारे नेसेसरी पोर्ट्स आप लोगों को इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 52.5 वॉट आवर्स की बैटरी देखने को मिल जाएगी, एंड कंपनी क्लेम करती है आप लोगों को जो बैटरी बैकअप है वो 6.5 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। एक गेमिंग लैपटॉप में 6.5 घंटे भी बहुत होते हैं, यहाँ मेरा गेमिंग लैपटॉप है 6.5 घंटे की बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं देता है वो, तो 6.5 घंटे इट्स गुड।
फॉर अ गेमिंग लैपटॉप। वाईफाई 6E एंड ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी आप लोग को विंडोज 11 कैमरा सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी इस लैपटॉप में। काफी अच्छा डिजाइन है, प्रीमियम लुकिंग डिजाइन है ये लैपटॉप में, बहुत अच्छा लगता है देखने में। एंड अब बात करें इस लैपटॉप के वेट की, तो ये जो लैपटॉप है आप लोग को 2.3 किलोग्राम का देखने को मिल रहा है। यस, भारी है पर डेफिनेटली वर्थ इट है 50,000 के प्राइस रेंज में। सो ड्यूरेबल है लैपटॉप, स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बैटरी भी अच्छी देखने को मिल रही है अंडर ₹50,000 में, तो ये बेस्ट डील होने वाली है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, बट नहीं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो या दैट इज प्रीटी मच इट, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। 50,000 के अंदर ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, अगर आप लोगों को लेना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों को लैपटॉप कैसा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, टिल देन हैव अ नाइस डे, पीस।